दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक बाबा अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत 29 जुलाई से शुरू होने जा रही है। इसका रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु जाना चाहते हैं वो बड़े ही उत्साहित हैं। जिन श्रद्धालुओं को सफर पर निकलना है उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हालांकि अधिक उत्साह और हड़बड़ाहट में अक्सर लोग कुछ गलतियां कर देते हैं। बाबा अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए यात्रियों से यात्रा से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु जा रहे हैं, पहले अमरनाथ यात्रा के लिए जो गाइडलाइन जारी की जाएगी उसको ध्यान से पढ़ें। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा के लिए जरूरी सामान की एक सूची तैयार करें ताकि रास्ते में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो सके। दोस्तों, सफर के लिए सामान पैक करते समय मौसम के मुताबिक अपना बैग के अंदर कपड़े, जूते सब ध्यान से रखें। यह पता कर लें कि अमरनाथ बाबा का मौसम कैसा है और आपकी यात्रा की तारीख के दौरान बारिश तो नहीं आने वाली है। इस आधार पर बैग में पर्याप्त गर्म कपड़े आप रखें। भारी भरकम कपड़े लेने की बजाय आप हल्के और गर्म कपड़े रखें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कपड़ों में साड़ी या धोती आदि न रखें। इसके लिए आपको यात्रा में जो सुविधाजनक कपड़े रहते हैं वो रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें दस्ताने, मोजे और टोपी भी साथ में जरूर रखें। दोस्तों, बाबा बर्फानी के दर्शन 29 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। इस दौरान मानसून शुरू हो जाती है, बारिश की संभावना का ध्यान रखते हुए अपने साथ में छाता, रेनकोट, वाटरप्रूफ जूते, वाटरप्रूफ बैग ये सब भी साथ में रखें। और एक सबसे जो जरूरी बात है, अमरनाथ यात्रा को सबसे कठिन माना जाता है और इस यात्रा के दौरान काफी लोगों की तबीयत भी खराब हो जाती है। हालांकि प्रशासन का काफी अच्छा इंतजाम है, जगह जगह कैंप लगे हैं, डॉक्टर हैं, दवाइयां हैं, अच्छी सुविधा है, लेकिन फिर भी इस समस्या से बचने के लिए जरूरी दवाइयां अपने साथ रख लें, जैसे सिर दर्द की, जुखाम की, खांसी की, शरीर दर्द करने की, ये अच्छा रहेगा। साथ में कुछ सूखे मेवे भी रख लें। अमरनाथ यात्रा के लिए जब आप पैकिंग कर रहे होते हैं तो मोबाइल चार्जर, जूते, चप्पल, खाने के लिए हल्का कुछ स्नैक भी रख लें, जो कि अमरनाथ यात्रा गाइडलाइन जो बताएगा उसी के हिसाब से अपना खाना पीना रखें। उसमें हल्का फुल्का खाने का सामान रखने से आपको रास्ते में कहीं भी भूख लगे तो आप ले सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें। आगे भी आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। नमस्कार। हर हर महादेव।